यशोमति मैया के नंदलाला। प्रणाम पूर्णमासी। पूर्णमासी मैया बता रही थी कि आज आप प्रवचन देने वाली हो। आपके सामने मैं प्रवचन कैसे दे सकती हूँ प्रभु? चिंता की कोई बात ना है, मैं आपको तनिक भी तंग ना करूँगा। चुपचाप आपसे गंगा जल की महत्व की कथा सुनूंगा। गंगा जल की कथा? वाह काना, चतुराई दिखाई दी। आप सब खड़े क्यों हो, बैठो। तीर्थ यात्रा में मुझे श्री गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य मिला, इसीलिए मैं आज तुम सबको श्री गंगा जी की महिमा सुनाऊंगी। एक दिन भगवान श्री नारायण के वाहन श्री गरुण देव ने गंगा के किनारे एक सांप को पकड़ा और जब गरुण देव उस सर्प को लेकर श्री गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे, तभी छटपटाते हुए उस सर्प की पूंछ गंगा जी के जल को छू गई और तब उसे उस सर्प योनि से मुक्ति मिल गई और वो मानव योनि को प्राप्त हुआ। देखते ही देखते वो चार भुजाओं वाले मानव में बदल गो, जैसे बैकुंठ के निवासी। श्री गरुड़ देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे, पर अब वो उसे सीधे बैकुंठ ले गए। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार होता है कि एक साधारण से सर्प को बैकुंठ निवासी बना दियो? हाँ शंकरी, यही तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की, जो भी इस पवित्र गंगा नदी में तीन डुबकियां लगातो है, उसका भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद मांगा था। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना स्वयं सीता मैया ने की हो, वो गंगा मैया कितनी पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जाते। हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। काना, तुम गंगा जी को सच में यहाँ बुलाने वाले हो? पूर्णा मौसी, आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते, वो भी दीपावली के दिन, तो बात ही कछु और होती। हे नारायण, हमारी जे इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना।
यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाता हूँ। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बाबा मैया तो कल ही गंगा जी में स्नान करना चाहती है दिवाली के अवसर पे। कान्हा, कल की कल तो असंभव है, जे ना हो पाएगो। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लल्ला का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही इन्हें गंगा जी के पास ले जाऊंगा। जिस भी गंगा स्नान करना हो कल सुबह मेरी और मैया के साथ चल पड़ना। चलो ना मैया, विलंब हो रहा है, फिर मुझे गाचारण के लिए भी तो जाना है। कान्हा, जिसे तू गंगा जी समझ रहे हो वो यमुना जी हैं। मुझे पता है मैया, यमुना जी उधर है और गंगा जी वहाँ पर्वत के पीछे। कान्हा, वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो सही, मैं लेकर चल रहा हूँ। शीघ्र चलो मैया बाबा, गंगा जी प्रतीक्षा कर रही है। कान्हा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। जी क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर तो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना? समझ गई यशोदा, चले। आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर, आपके पदचिन्ह बनाकर, आपके लिए घर द्वार खुले रखकर, अब आप बताइए देवी, क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर उन्हें आशीर्वाद देंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी प्रभु, किंतु आशीर्वाद देने नहीं, लेने। मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने। कान्हा, कान्हा रुक, हमारी प्रतीक्षा तो कर। अरे नाना, मैया को प्रतीक्षा ना करना चाहिए, आप दोनों शीघ्र आओ। कान्हा, जिस ओर जा रहे हैं वहां कोई नदी ना है, केवल पर्वत है। हे गंगा देवी, आप मुझसे मिलने की इच्छुक है और मुझे भी जीव हत्या का पाप धोने के लिए आपके पवित्र जल की आवश्यकता थी। इससे अतिरिक्त मेरे मैया बाबा और सभी वृंदावन वासी भी आपके दर्शन पाने के लिए आतुर है। कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी, कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी, पधारिए गंगा देवी, पधारिए गंगा देवी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी।
प्रणाम प्रभु, आपने मुझे यह आमंत्रित किया, अपने परम पवित्र रूप के दर्शन दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। देवी गंगा के इस रूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कल्पना अपने मन से उत्पन्न किया है, इसीलिए आज से इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा, इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। वृंदावन में आपका स्वागत है मानसी गंगा। नहीं देवी, मुझे प्रणाम मत कीजिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा। ये कैसे संभव है? श्री नारायण चाहे तो सब कुछ संभव है। प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रूप में यही बहूंगी, ताकि सारे वृंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में स्नान करने का फल मिल सके। श्री नारायण का आशीर्वाद मिलो है, हम स्वयं गंगा मैया का आशीर्वाद मिलो है। चलो सब गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बहुत हो चुका है, हर बार मैं पराजित नहीं होऊंगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूंगा मैं। दीपावली के शुभ अवसर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए मुझे, मैं धन्य हो गई प्रभु। कल मैंने तुम में महादेव शिव शंकर को देखा और आज प्रभु श्री राम को देख रहा हूं। भक्तों को उसी स्वरूप में दिखाई देता हूँ, मैं वो मुझे देखना चाहते हैं और अपने शत्रुओं को दिखाई देता हूँ मैं भूत सपना के रूप में। उस विष्णु अवतार को अपने मार्ग से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी उसके लिए, चाहे मुझे अपने घोर शत्रुओं से मित्रता भी क्यों ना करनी पड़े, किंतु उस विष्णु अवतार का वध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। हमारा तो जीवन ही सफल होगा मैया। सच्ची में कान्हा तू अद्भुत है,
केवल अद्भुत ही ना लाली, मेरी मान तो स्वयं नारायण का स्वरूप है कान्हा। मान से गंगा के बारे में कान्हा को कैसे पता चलो? क्या ये सच्ची में विशेष है या फिर जैसा कि सब जन कह रहे हैं कहीं सच्ची में जी श्री नारायण का ही स्वरूप तो ना है? संभालिए प्रभु, इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए। मैया बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। वो ठंड में ठीक हो जाएगा नंदा। ओ मेरा नन्ना। मैया गंगा जी का जल जितना शुद्ध है उतना ही ठंडा ही है। कितना भोला भाला है मेरा कान्हा, और सब कह रही है कि जे श्री नारायण का स्वरूप है। जे गोपिया भी ना कछु भी बोल देती हैं, और मैं भी व्यर्थ में इनकी बातों में आके कछु भी सोचने लगती हूँ। बस बस मैया अब होगो, अब सीधा चलो घर, कोई प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा गांव तो यहाँ है लल्ला, फिर घर पे हमारी प्रतीक्षा कौन करेगा? बोलना कौन प्रतीक्षा कर रहा है? वही जिनके लिए आप द्वार खुला छोड़ के आए हो। मैया लक्ष्मी, चलो अब घर चलते हैं, लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करनी है। वृंदावन की हमारी पहली दीपावली है, समृद्धि की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे कि सदा के लिए यहीं बस जाए, यहीं हमारे साथ, हमें छोड़कर कभी न जाए। किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा वृंदावन में। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने संदेश पहुंचा दिया है। पर वो आपका शत्रु है महाराज, वो यहाँ क्यों आएगा? वो आएगा, प्राप्ति अवश्य आएगा, भले ही मुझसे मित्रता करने नहीं, मेरे दुख में सम्मिलित होने नहीं, परंतु मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा वो। इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो। वकासुर। मैंने कहा था ना प्राप्ति, वो अवश्य आएगा, मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा। आ गया वो। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? शत्रु है वो प्राप्ति, महल में भेंट करने नहीं आएगा, मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे यह विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूं, तभी तो मुझे घेरने का प्रयास करेगा वो। चमत्कार ही तो है जी, दीपावली के दिन गंगा मैया के दर्शन हो गए, इससे सुबह क्या हो सकता है? पक्षन, मैंने तो बस यही पक्षन बनाए थे, तो जी लक्ष्मी जी के पक्षन भीतर तक कैसे आ गए? किसने करूं जे? इसका अर्थ तो जे है ना कि लक्ष्मी जी
सच्ची में हमारे घर पधारी हैं? कितना अच्छा होता जी यदि हम यही होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। वो तो अभी भी मिल सकते हैं मैया, लक्ष्मी देवी सामने ही तो है।